हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, वो हम सरप्राइज हम रात को लेके आए थे और आपको बताया था ना कि हम फीमेल एक्सचेंज कर रही है, फीमेल एक्सचेंज में हम बुलाए थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने आपके लिए रखे हैं, हमने खोले भी नहीं, फिर हमने बोले क्योंकि केक भी हमने रेडी किया हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखें ये आर्सेनल के चूल्हे हैं, ये 16 पीस हैं। अब इनको छोड़ते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, बंद करते हैं। ओ दूसरे देखिए कितने नाइस चूल्हे हैं, देखिए आश वाले चूजे हैं, बिल्कुल ब्लैक सारे चूजे हैं। दोस्तों हमने इनकी सेफ्टी के लिए ये देखें, हमने इनका लकड़ी का बुरादा डाला हुआ है। ये देखें इनके ना फीड, मैं आपको दिखाता हूँ इनके फीड कौन से डालते हैं। ये देखें चार नंबर फीड डालते हैं इनको, ये देखें ये वाली। आपने भी अगर कोई चूजे रखने हैं तो आपने भी चार नंबर फीड डालनी है। दोस्तों अभी हम इनको दाना पानी डालने लगे हैं, तो पानी में ना इसको पहले दिन ना शक्कर डाल लीजिए, ये देखें, क्योंकि ना इनके पेट में फ्लश नहीं होते रहे और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही रहे, इनका हाजमा बिल्कुल सही रहे। तब इनको डालते हैं, इसको बंद करके ना अच्छी तरह हिला देते हैं। चलो इनको डालते हैं और पानी, अभी दाना भी डालते हैं इनको। दाना भी डाल देते हैं इनको, उससे कल ना रात को हम अपनी कैट के लिए फूड लेके आए थे इसका, तो हमने उसको डाला है, तो देखते हैं वो खा रही है कि नहीं। खाना खा लो उसका, ये वाला नहीं खाना, उसको पता नहीं इसको क्या, भाई ये खा नहीं रही। आप हमें ना कमेंट में बताएं कि ये क्या खाएगी। नहीं दोस्तों हम अपने रैबिट्स को देख लेते हैं हम, क्योंकि कल ना एक फीमेल घास इकट्ठा कर रही थी, वजह सूखा घास होता है, तो ना आज शायद उसने बच्चे दे दिए, देख लेते हैं। दोस्तों वो देखिए हमारी मुर्गी ने अंडा भी दे दिया, तो इनको बाहर निकालते हैं, इनका अंडा निकालते हैं। मेरा जो ये देखिए दोस्तों मुर्गी ने अंडा भी दे दिया, अब इस अंडे को हम नीचे रख के आते हैं। चलो अंडे को नीचे रख के आते हैं, अभी बाकी अंडे हमारे पास इकट्ठे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। फिर कुछ दिनों बाद जब अंडे हमारे काफ़ी ज़्यादा देंगे, या तो हम मुर्गी बढ़ा देंगे या तो हम इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो ये अंडा हम रखते हैं अंदर, आपको अपने बाकी अंडे भी दिखाता हूँ। हमने फ्रिज में अंडे सारे स्टोर किए हैं अपने, ये देखिए इनको अंडे को ऐसे रखते हैं। तो ये अंडे जब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो 20-30 अंडे हो जाएंगे, तो फिर इसको हम या तो मुर्गी के नीचे रख देंगे या तो इंक्यूबेटर में रख देंगे, इसको बाद के बच्चे भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। चलो दोस्तों अब अपने रैपिड्स के पास चलते हैं, चलें रैपिड्स को भी हम देखते हैं, क्योंकि ना रैपिड्स को हमने ना नज़दीक से ही देखा, खोल के नहीं देखा रैपिड्स को हमने, सिर्फ हमने अपने अंडा उठा के मुर्गों का, उसके बाद हमने उसको बंद कर दिया था, नीचे आ गए थे अंडा रखने। अब जा रहे हैं ऊपर रैपिड्स को देखते हैं, पिंजरा खोल के इनको देखते हैं अच्छी तरह, और अपने पुराने बेबीज जो हैं रैबिट के उनको भी देखते हैं। चले हैं,
करें इनके हटा लेते हैं। चलें दोस्तों आपको मैं बेबी बेबीज दिखाता हूँ रैबिट के। लेकिन दोस्तों ये इनकी माँ इनके अंदर चली गई है। देखिए माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। सो ये क्या है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों हमारी दूसरी फीमेल ने भी बच्चे दे दिए। वाह अभी इनको निकालते हैं बच्चों को रखते हैं। तुम मुझे चले जाओ, तुमने इनको मार देना भाई रहा हो ना। इसको दे छोड़ते हैं। चलो दोस्तों अभी इन बच्चे निकाल के गिन के देखते हैं हम कितने हैं। एक दो ये आ गया तीसरा और हैं। हाँ और भी हैं। ये चौथा ये देखें और भी होंगे कि हमारी पुरानी फीमेल ने 7 बच्चे दिए थे माशाल्लाह। ये देखिए ये 5 है। और भी सर्च करते हैं, ये देखें और भी सर्च करते हैं और भी शायद निकल आए। और कोई है नहीं, और कोई नहीं है, नहीं और नहीं है। चलो हमारे लिए 5 ही काफ़ी हैं। ये देखो दोस्तों माशाल्लाह अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न है। लगता है इसने दे दिए थे रात को या सुबह दिए थे क्योंकि ना सूख चुके हैं ये। देखो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज हैं। आपको इनकी मैं मदद दिखाता हूँ। ये है, ये देखें इनकी निशानी पता कैसे लगती है कि इनकी मदर है। ये देखें इसे नीचे से देख रहे हैं, ये सारे इन्होंने बाल उतारे हुए हैं, साइड से भी बाल उतारे हुए हैं, तो पता लग गया था कि इनकी मदर है। चलिए दोस्तों अब इनको अंदर रख देते हैं ताकि इनकी मदर इनको फीड करवा दे। इनका केज हम अच्छी तरह कर देते हैं। मुझे पता लग गया था कि इसने ना बच्चे दे देने जल्दी इसने, तो क्योंकि ये ना यहाँ से घास उठा रही थी अपने मुँह में इकट्ठा वगैरह करके ना इस केज में रख रही थी। तो मैंने ना कल इसको ये देखा ना सूखी घास, ये मैंने ला के यहाँ बाहर रख दी थी, तो इसने ये खुद ही अंदर ले गई थी। चलो दोस्तों इसको भी छोड़ देते हैं अंदर, जाओ फीड कराओ अंदर जाकर इनको। ये देखें ये आ गई है इनके पास, ये इसको फीड करा देगी अब। चलो दोस्तों भी इनके आगे ईंटें लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ से ना थोड़ी जाली टूटी हुई है हमारी, यहाँ से ना बिल्ली वगैरह भी अंदर जा सकती है और फिर हमारे रैबिट्स को नुकसान पहुँचा सकती है। चलो दोस्तों आपको चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए हमारी मानो ये हमारे उनके केज में बैठी है मुर्गों के। मानो क्या हुआ है लगता मानो थोड़ा ना गुस्से में लग रही है। चलो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। देखे ना मुंह खोल रही है, हमें लगता है काट लेगी मुझे वो। चलो तुम इधर ही रहो। दोस्तों अगर आपको आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि हम अपनी बिल्ली को क्या डालें, क्योंकि ना वो ना कुछ कच्चा गोश्त खा रही है ना ये बिस्किट्स खा रही है, पता नहीं क्या इसका है। और दोस्तों आज हमने आपको 2 सरप्राइज़ दिए हैं, एक चिक्स का सरप्राइज़ दिया और एक हमने आपको बेबीज़ का सरप्राइज़ दिया है, तो उसका हमें भी थोड़ा गिफ्ट मिलना चाहिए। इसलिए हमें हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।